कि एक ओमानी रियाल जो है इंडियन के 180 रुपये, 178, 180, 170 से 180 रुपये के बीच में वैरी होता है। एक ओमानी रियाल जो है 178 रुपये चल रहा है इंडियन रुपीज़ के बराबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो भी जेन्युइन, तो जो आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो कि मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में विस्ट वीज़ा और वर्क परमिट के लिए वीडियोज़ बनाई हैं, तो मेरे को काफ़ी क्वारी आती है ओमान के बारे में। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ओमान के बारे में कि उनको बहुत सारे लोगों को धोखा मिल चुका कि ओमान में विस्ट वीज़े को जाकर वर्क परमिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जेंट्स ने उनको झूठ बोल के यहाँ से भेजा कि मैं आपको ओमान भेज रहा हूँ, यहाँ से आपका वर्क वीज़ा लगवा दूंगा, या पहले आप विस्ट वीज़े पर ओमान में चले जाओ। उसका ही उन्होंने लाख लाख रुपये ले लिया, 50-50 हज़ार रुपया लोगों से ले लिया, क्योंकि मोस्टली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो आपको पता है ये ऑप्शन देती हैं, ये आपको अधिकार देती हैं, जैसे कि दुबई हो गया या सऊदी अरब वगैरह कोई कंट्रीज होती हैं बहुत सारी, कि आपको वो अलाउ करती हैं कि आप वहाँ पर विस्ट वीज़े पे जाकर अगर आपको अच्छा एम्प्लॉयर मिलता है, अगर आपको जॉब मिलती है, तो आप जो है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोगों से धोखा हुआ है कि ओमान में जाके, ओमान भी गल्फ़ कंट्री है, तो वहाँ पर जाके भी आप जो है अपने विस्ट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज हम इसी वीडियो में ओमान के बारे में बात करेंगे कि ओमान का विस्ट वीज़ा जो है वर्क वीज़े में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कैसे होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। तो अगर आप भी ओमान में जाना चाहते हैं या ओमान में बैठे हैं या ओमान में जाके काम कर चुके हैं या आपका ड्रीम है ओमान में काम करना किसी भी गल्फ कंट्री में, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम ओमान के बारे में बात करेंगे, तो टाइम ना वेस्ट करते चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैलिड इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर हम डालते रहते हैं, वो भी इमिग्रेशन के रिलेटेड। दोस्तों आज हम बात करें जैसे कि ओमान के बारे में, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि विस्ट वीज़े पे हम गए थे, हमारा वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं हुआ। देखो अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो उससे पहले कोई आपको एजेंट भेजता है, एजेंट की बातों में आकर वीज़ा मत अप्लाई किया करो, क्योंकि एजेंट आपको बताऊं कि अगर 100% एजेंट हैं इंडिया में, उसमें से 70% फ्रॉड हैं, सिर्फ 20-30% एजेंट ऐसी हैं जो जेन्युइन है, वो जो आपका काम करवा के देते हैं, बाकी सारे फ्रॉड होते हैं, आपको यहाँ से कुछ बोल के भेजते हैं और वहाँ पे होता कुछ और है। तो ऐसे ही वेस्ट वीज़े की गल्फ़ कंट्री की बात करें, ओमान बाकी गल्फ़ कंट्री की तरह नहीं है कि आपको हर गल्फ़ कंट्री अगर है तो वो आपको, हर गल्फ़ कंट्री के अपने अपने अलग से रूल हैं, हर कंट्री का ज़रूरी नहीं कि अगर आपको दुबई वगैरह में विस्ट वीज़े को आप कन्वर्ट कर सकते हो तो ओमान में वैसा कर सकते हो, ओमान में ऐसा नहीं है। ओमान में आपको बताऊँ कि एक ओमानी रियाल जो है इंडियन के 180 रुपये के बीच में वैरी होता है। एक ओमानी रियाल जो है 178 रुपये चल रहा है इंडियन रुपीज़ के बराबर। चलिए अब बात करते हैं कि वर्क परमिट आखिर मिलता कैसे, बट वो बल्क में एजेंट के थ्रू हायर करती हैं या बल्क में ऑनलाइन जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उनसे कांटेक्ट करके उनसे रिक्वायर्ड हायर करती हैं कि आपको कॉल आती है, आपसे इंटरव्यू होती है, तब जाके आपको अगर आपके अच्छा खासा एक्सपीरियंस और स्किल है उसमें आपको जॉब मिल जाए। अब एक और बात ओमान के बारे में कि ओमान ने सेल्स एंड मार्केटिंग में और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्होंने उन्होंने अभी तक जो है पिछले 2018 से लेकर अब तक वीज़ा बैन किया हुआ है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छी खासी जॉब आपको दिलवा देंगे तो वो झूठ बोल रहा है, कि आपको बता दूँगा, आप वीडियोज़ देख लो, आप सर्च करके देख लो, ओमान ने जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे थे उनका वीज़ा बैन करके उनको डिपोर्ट कर दिया है, या तो लोग जो आ रहे थे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर उनके जो लोकल ओमानी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो कम पैसे देके फॉरेन वर्कर को बुला लेती हैं, जो लोकल वहाँ के बंदे उनको जॉब नहीं मिल रही। उसको ख़त्म करने के लिए ओमान की गवर्नमेंट 2018 में कुछ ऐसी कुछ कैटेगरीज में, सारी कैटेगरी नहीं, कुछ कैटेगरी को स्किल्ड कैटेगरी में जो है वीज़ा जो है बैन किया था, कि इन कैटेगरीज में जो पढ़े लिखे तादाद के लोग हैं उनको जो है बैन कर दिया गया था। तो अगर आप जाना चाहते हो, आप कंस्ट्रक्शन वर्क में, लेबर वर्क में जो है ओमान अभी भी वीज़ा एक्सेप्ट कर रहा है, आप जा सकते हो किसी एजेंट के थ्रू या खुद अप्लाई करके। मिनिमम जॉब कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर 3 मंथ का मिल जाता है, बाद में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 साल में, बाद में 1 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कितना आपको एम्प्लॉयर वहाँ का जॉब देना चाहता है। अब बात करते हैं अगर वीज़ा बैन हो गया है तो वो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, जो जो कैटेगरी में आप
कैटेगरी ओमान के ऑफिशियल वेबसाइट या गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हो किन किन कैटेगरीज में जो है ओमान ने वीज़ा बैन किया हुआ है, किन कैटेगरी में वो वीज़ा दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल मेरे दोस्तों ने ये पूछा था कि ओमान में जो है विजिटर वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये बहुत मुश्किल है, ये कन्वर्ट नहीं होता। आपको यहाँ इंडिया से ही जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना पड़ेगा ओमान में, तब जाके आप वहाँ पर काम कर सकते हो, या तो एजेंट के थ्रू। कंपनी जो होती है वो बल्क में हायर करती है बंदे का, पर पर्सन जो है 200 ओमानी रियाल जो है उसके एम्प्लॉयर को जितना भी बंदे को हायर करना होता है उनके जो है जॉब ऑफर लेटर लेने पड़ते हैं वहाँ की मिनिस्ट्री से, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री से, कि हमें 200 बंदा चाहिए, तो पर पर्सन 200 रियाल उनको जो है फीस देनी पड़ती है, तब जाके उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रजिस्टर्ड कंपनी को कि आप 200 बंदा फॉरेन से हायर कर सकते हैं, बट उसी कैटेगरी में हायर कर सकते हैं जिस कैटेगरी में जॉब्स उस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, उस बंदों की फॉरेन वर्कर्स की लोड है, और उसको दिखाना पड़ता है कि हमें इस जॉब में जो है लोकल बंदा नहीं मिला है, तब जाके वो बल्क में जो है नौकरियां जॉब्स हायर करती हैं। वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो naukri.com वगैरह से, या किसी एजेंट के पास एजेंट भी जॉब दिलवाते हैं तो वहां से जाके भी अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी, क्योंकि अमान की जो कंट्रीज है वो डायरेक्ट विजिटर वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करती है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पहले आपको जॉब ऑफर लेनी पड़ेगी, तब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब आपका जो वर्क परमिट लग के जाएगा, तब आप ओमान में जाके काम कर सकते हो। सैलरी की बात करें, सैलरी ओमान में आपको लाखों में नहीं मिलेगी, अगर सोच लो कि आप लाखों कमा लोगे, हाँ अगर आप कुछ आपको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता तब जाके आप अच्छी खास सैलरी कमा पाओगे, बट स्टार्टिंग में अगर आप ओमान में जाते हो तो 178 रुपये जो उनका रियाल चल रहा है, एक रियाल इंडिया के 178 रुपये के बराबर है, तो आप इंडिया का 40 से 50 हज़ार तक रुपया आप वहाँ पर ओमान में कमा सकते हो स्टार्टिंग में, विद इन एक्सपीरियंस आपका जो पैसा इंक्रीज होता जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ओमान के बारे में कि कुछ कैटेगरी में ओमान ने जो है वर्क परमिट को बैन किया हुआ है, और कुछ कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन वर्क में जहां पर लेबर का काम होता है वहां पर वो वीज़ा दे भी रहा है, तो हर कैटेगरी में वीज़ा बैन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी जानकारी ओमान के बारे में, ओमान का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं, विजिटर वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, या तो विजिटर वीज़े पे जाके आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, या एजेंट के थ्रू जाते हैं, यही दो रास्ते हैं, या ऑनलाइन सर्च करके आप जो है जॉब ऑफर लेके जो है ओमान में वर्क परमिट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी आपका कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे अपना CV है जो मेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के इस कमेंट में जो आपके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट गुड वीडियो, थैंक यू सो मच।